नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, थोड़ा टाइम पहले ही यानी 2024 के एंड में चाइना ने सिक्स जनरेशन के दो फाइटर जेट अनवील किए थे, J-36 एंड J-50। जाहिर है इससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई और शायद US को भी लगा कि कहीं ना कहीं चाइना एयर डोमिनेंस के मामले में उससे आगे निकल रहा है। और इसी को देखते हुए US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग कंपनी को $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट F-47 को बनाने के लिए। ऑब्वियसली ये चाइना की तरफ से बढ़ती हुई थ्रेट को काउंटर करने के लिए एक बड़ा डिसीजन है। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉकहीड मार्टिन को नहीं मिला, जो US एयर फोर्स के लिए F-35 और F-22 रैप्टर बना चुकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है बोइंग कंपनी को, जो अब US के लिए मोस्ट एडवांस सिक्स जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा और जिसको नाम दिया गया है F-47। क्या आप लोगों को मालूम है कि US ने वर्ल्ड के इस मोस्ट एडवांस फाइटर जेट को F-47 नाम क्यों दिया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लास्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बने थे तब वो US के 45th प्रेसिडेंट थे, जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट थे, और अब जब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप US के प्रेसिडेंट बने हैं तब वो US के 47th प्रेसिडेंट हैं, और इसलिए इस फाइटर जेट को नाम दिया गया है F-47। US ये जो नया F-47 फाइटर जेट बनाने वाला है, ये उसकी इकलौती इमेज है। हो सकता है शायद US का F-47 दिखने में कुछ ऐसा हो, और इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये एक हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम है US का। लेकिन अगर इस इमेज को थोड़ा एनालिसिस करें तो इस फाइटर जेट के जो विंग्स हैं वो काफी ऊंचे, डायहेड्रल और नीचे की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं। ये पिक्चर बोइंग के फेमस YF-118G बर्ड ऑफ प्री टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर की याद दिलाती है, जो 1990s में एरिया 51 से सीक्रेटली उड़ाया गया था। बोइंग का YF-118G ये काफी एडवांस प्रोटोटाइप था, इंक्लूडिंग एडवांस्ड स्टेल्थ एंड टेलिस डिजाइन टू न्यू ब्रेक थ्रू इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इवन विजुअल स्टेल्थ। हालांकि जैसे F-47 की परफॉर्मेंस बताई जा रही है उस मामले में थोड़ा कम था, लेकिन हो सकता है बोइंग ने इससे कुछ लेसन सीखे हों और शायद इसको और इम्प्रूव किया हो। देखिए, US जो नया F-47 फाइटर जेट बनाने वाला है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुनिए वो इस नए फाइटर जेट को लेकर क्या कह रहे हैं। At my direction, the United States Air Force is moving forward with the world's first sixth generation fighter jet, number six, sixth generation. Nothing in the world comes even close to it, and it'll be known as the F-47. The generals picked a title, and it's a beautiful number, F-47. It's something the likes of which nobody has seen before in terms of all of the attributes of a fighter jet. There's never been anything even close to it, from speed to maneuverability to what it can have to payload. अब US ये जो F-47 डेवलप करेगा, ये फाइटर जेट डेवलप किया जाएगा अंडर नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम US का एक प्रोग्राम है जिसके अंडर वो सिक्स जनरेशन के फाइटर जेट बनाएगा। ये प्रोग्राम US ने 2018 में स्टार्ट किया था, हालांकि 2024 में इसको रोक दिया गया, और इसका कारण था इसकी कॉस्ट। इस फाइटर जेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी, इसलिए इस प्रोग्राम को रोक दिया गया। लेकिन रिसेंटली चाइना ने जो डेवलपमेंट किया है सिक्स जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी में, शायद उसने US को फोर्स किया कि भले ही कॉस्ट ज्यादा आए लेकिन चाइना से पीछे नहीं रहना है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने $20 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है बोइंग कंपनी को। डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग ये आने वाला F-47 फाइटर जेट हमेशा के लिए एयर कॉम्बैट को बदल कर रख देगा। हालांकि अगर इस फाइटर जेट के इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट $20 बिलियन से भी ज्यादा होने वाला है। ये जो US का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस सिक्स जनरेशन फाइटर जेट होगा, ये रिप्लेस करेगा US के F-22 रैप्टर को। नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस या अब आप कहें F-47। उम्मीद है कि इस फाइटर जेट में ज्यादा ध्यान दिया जाएगा स्टेल्थ, सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स एंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन को। एक्चुअली सिर्फ एक सिक्स जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं होगा, इट इज ए ब्रॉड इनिशिएटिव टू क्रिएट ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स जिसमें शामिल हो गए अनमैन ड्रोन्स, मैन जेट्स एंड ए न्यू जनरेशन ऑफ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। अब देखिए, बात करते हैं F-47 की कुछ खास बातों की। F-47 में होगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी किसी भी फाइटर जेट को राडार के थ्रू डिटेक्ट होने से बचाती है एक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो ट्रेडिशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे कि फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट, उन्हें बनाया जाता है टू इवेड डिटेक्शन बाय हाई फ्रीक्वेंसी राडार्स। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आने वाले इस फाइटर जेट को हर तरीके की फ्रीक्वेंसी से बचाएगी। अभी तक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स और B-21 रेडर में इंप्लीमेंट की गई है, और आप लोगों को मालूम है इन बॉम्बर्स को बनाया गया है डीप पेनेट्रेशन के लिए, यानी किसी भी दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर मारने के लिए। साथ ही F-47 में नेक्स्ट जनरेशन इंजन लगा होगा।
नेक्स्ट जनरेशन टर्बाइन बेस्ड पावर प्लांट विल फीचर इनहेंस इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेबिलिटी टू पावर सेंसर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स एक्चुएशन सिस्टम्स एंड एसेसरीज। साथ ही इसका एक और फीचर होगा जिसे कहा जाता है स्कोप क्रीप। आप लोगों को मालूम है फिलहाल नए फाइटर जेट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। इट मीन्स ये फाइटर जेट ड्रोन्स के साथ इवन डिनाइड एयर स्पेस को भी पेनिट्रेट कर पाएगा। ये फीचर आज की डेट में सिक्स जनरेशन एयर कॉम्बैट सिस्टम का एक एसेंशियल फीचर है। साथ इसमें इन फ्लाइट सॉफ्टवेयर अपडेट की फैसिलिटी भी होगी। यानी मान लीजिए अगर ये फाइटर जेट ऑपरेशन में भी है, किसी मिशन पर भेजा गया है, तब भी इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है। वी कैन रिमूव सॉफ्टवेयर बग और अनलॉक न्यू कैपेबिलिटीज व्हाइल द फाइटर इज ऑन ए मिशन। इनका एक और बेस्ट फीचर होता है रेडियो फोटोनिक रडार, जिसके अंदर ये पल्सेटिंग लेजर्स यूज करते हैं रेडियो क्रिस्टल्स की जगह पर टू जनरेट एंड प्रोसेस नियर परफेक्ट साइन वेव ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन। और इसके जरिए वो काफी छोटा एंटीना यूज करके भी काफी वाइड बैंड UHF सिग्नल्स ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिटर्न सिग्नल को यूज कर सकते हैं किसी भी टारगेट की 3D इमेज बनाने के लिए। एक और इसका बेस्ट फीचर होगा वो है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट। यानी जब भी ये किसी मिशन पर जाएगा तब ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ ड्रोन्स होंगे, अदर प्लेटफॉर्म्स होंगे जो एक नेटवर्क में काम करें। और इसलिए US का ये F-47 एक फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा जैसा जनरली फिलहाल किसी भी कंट्री के पास नहीं है। चाइना के पास जो भी है उसकी ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। हालांकि US के ऑफिशियल ये भी कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट काफी कम होगी। और देखिए F-52 रैप्टर की रेंज है 1850 माइल्स और F-47 की रेंज इससे ज्यादा होने वाली है। साथ इसके दो वर्जन होंगे और एक वर्जन को डेवलप किया जाएगा इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखते हुए, यानी उसका मेन टारगेट होगा चाइना, और दूसरा वर्जन डेवलप किया जाएगा यूरोप की सिचुएशन को देखते हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।